दोस्तों, वेलकम बैक टू बाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2024 के एडमिशन के बारे में। जो बच्चे अप्रैल 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो फेल बच्चा हो, चाहे पास हो, चाहे किसी ने टेंथ पास कर ली है, या कोई जिसने बारहवीं पास कर लिया दोबारा से बारहवीं करना चाहता है, तो वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट डेट की, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, इसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपकी फीस कितनी जाएगी, और एडमिशन के बाद आपको क्या करना पड़ता है और एडमिशन का तरीका क्या है। तो इसके अंदर आपके इस तरह के एडमिशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, सारे के सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। आइए बात करते हैं अपने एडमिशन के बारे में। तो जो अभी एडमिशन आपके चल रहे हैं, वो अप्रैल 2024 के एडमिशन चल रहे हैं और इस टाइम पे अभी उनकी लास्ट डेट चल रही है। लास्ट डेट क्या है उनकी, बात कर लेते हैं। 31 अगस्त और 15 सितंबर, दो डेट मैंने क्यों लिखी हैं। 31 अगस्त तक आपकी लेट फीस जो लग रही है, वो लग रही है आपकी 400 रुपये। इसके बाद अगर आप कराते हो 31 अगस्त के बाद में, तो आपकी लेट फीस लगेगी आपकी 700 रुपये। तो ये आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, इसलिए आप 31 अगस्त से पहले पहले अपने एडमिशन करा लें। दूसरी चीज बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट से पहले हम ये जान लेते हैं कौन कौन से बच्चे इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं एनआईएस के अंदर। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, इसके अंदर आप 10th में एडमिशन ले सकते हो और 12th क्लास में एडमिशन ले सकते हो। 12th क्लास में कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, जिन्होंने पहले से ही 12th पास करी हो, या फिर वो 10th पास है, या फिर 12th में फेल है। तो यहाँ पर तीन तरह के आपके बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, जो 10th पास है या फिर वो 12th फेल है, किसी सब्जेक्ट में उसकी कंपार्टमेंट आ चुकी है, या कंपार्टमेंट का पेपर दिया फिर भी कंपार्टमेंट आ गई, यानी कि 12th में क्या है, फेल है, या कोई 12th पास ऐसा बच्चा है जो अपनी परसेंटेज बढ़ाना चाहता है, या दोबारा से कुछ सब्जेक्ट चेंज करके दोबारा करना चाहता है, तो वो भी इसके अंदर कर सकता है। 10th क्लास में एडमिशन के लिए आपको या तो 10th फेल बच्चा हो, या फिर इसके अलावा आपने 8th या 9th क्लास तक आपने पढ़ाई की हो, आपकी कंपार्टमेंट आ चुकी है, या आप पास भी हो, तो फिर आप 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर होगी होंगी। अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं यहाँ पर आपके, 10th के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 12th के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। 12th में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 10th का रिजल्ट होना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आपके पास 10th का रिजल्ट नहीं है, तो आप 12th के अंदर एडमिशन बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो 10th का रिजल्ट आपके पास होना कंपलसरी है। इसके अलावा आपके पास आधार और फोटो, ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं एडमिशन के अंदर। 10th क्लास में क्या है, 8th या 9th क्लास की आपके पास टीसी होनी चाहिए, जिसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं। दूसरा, उस पर काउंटर साइन होने चाहिए, काउंटर साइन उस पर होने चाहिए, क्योंकि काउंटर साइन का मतलब ये है, एजुकेशन ऑफिसर के साइन होते हैं जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में एडमिशन लेते हो, तो उस पर काउंटर साइन की आपकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आप 10th के अंदर एडमिशन यहां पर करा सकते हो, 12th के अंदर भी करा सकते हो। अब जो बच्चे एडमिशन करने में कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हम एडमिशन कराने में आपकी हेल्प करेंगे, या फिर आप एडमिशन हमारे थ्रू भी करा सकते हो। एडमिशन जिससे भी कराएं, आप एक्सपर्ट के थ्रू कराएं, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर एनआईएस आपके पैसे रिफंड नहीं करता है, आपका साल भी वेस्ट हो जाता है, पैसे भी रिफंड नहीं होते हैं। तो आप हमारे इस नंबर को सेव कर लो PSC NIOS के नाम से, और इस नंबर पे फ़ोन करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, और आप अपना एडमिशन भी हमसे हमारे थ्रू करा सकते हो। एडमिशन करने के बाद भी फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सामने। एडमिशन करने के बाद क्या हुआ, एडमिशन तो आपका हो चुका है, लेकिन एडमिशन के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ये आपके सामने आ जाती हैं। सबसे पहले तो आपका एडमिशन कन्फर्म होना चाहिए, तो कन्फर्मेशन में टाइम लग जाता है। तो अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हो, तो आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हम करा के देते हैं। इसके बाद एडमिशन कन्फर्म आपका हो जाता है, तो आपके पास आई कार्ड आ जाता है, आई कार्ड भी हम आपको सेंड करते हैं अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हो। तो इसके आई कार्ड के बाद आपको क्या होता है, इसके अंदर आपकी एग्ज़ाम फीस सबमिट होती है, एग्ज़ाम फीस सबमिट होती है। अगर आप हमारे थ्रू भी करा सकते हो एग्ज़ाम फीस, या खुद भी जमा करा सकते हो। एग्ज़ाम फीस के बाद आपके TMA बनते हैं, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, लगभग 20-20 नंबर के आसपास ही होते हैं।
तो टीएम में आपको बने बनाए सोल्ड हमारे पास से मिल जाते हैं। अगर आपने एडमिशन कहीं और से भी लिया है तो फिर भी आप हमारे पास से टीएम में ले सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका प्रैक्टिकल का प्रोसीजर, तो प्रैक्टिकल होते हैं फिर, तो प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन भी आप हमारे पास से ले सकते हो या फिर आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। प्रैक्टिकल के बाद आ जाते हैं आपके थ्योरी एग्जाम, तो थ्योरी एग्जाम आपने जो भी फॉर्म के हिसाब से आपने स्टडी सेंटर लिया उसके हिसाब से आपको सेंटर मिलेगा और आपका थ्योरी एग्जाम हो जाएंगे। थ्योरी एग्जाम से पहले इसका आपका होल टिकट आता है थ्योरी का, और होल टिकट वैसे ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का भी होल टिकट आपका आता है। होल टिकट लेकर के ही आपको एग्जाम में जाना पड़ता है। थ्योरी के बाद आपका फिर आ जाता है ये रिजल्ट, लगभग 45 डेज बाद आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। पूरी ये साइकिल होती है एनआईएस के एडमिशन की। इसमें क्या है, एडमिशन होता है, फिर एडमिशन कंफर्म होता है, फिर आई कार्ड आता है, फिर एग्जाम फीस जमा होती है, फिर प्रैक्टिकल का होल टिकट आता है, फिर प्रैक्टिकल होते हैं टीएम में बनते हैं, इसके बाद आपकी जो है फिर थ्योरी का होल टिकट आता है और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अगर इस पूरे प्रोसीजर को जो है अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हो तो आपको स्टेप वाइज स्टेप हम गाइड करते हैं और आपको सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके नंबर पे कॉल करके आपको हर बार बताया जाता है और साथ में आपके एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। और अगर आप किसी और के थ्रू भी एडमिशन कराते हो या आप खुद भी करते हो तो आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हो। कंसल्टेंसी सर्विस के अंदर भी हम आपको गाइड करते हैं और ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टेंसी लेने के लिए भी आपको हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। नंबर अभी जो लिखा था वो ये है 7303838500। इस नंबर को फ़ोन में सेव करके रखें अगर आप एनएस में एडमिशन आप लेना चाहते हो या लेने की आप सोच रहे हो। फिर भी कोई और भी दिक्कत आपको अगर आती है एडमिशन में तो आप हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ थी यहाँ पर, लास्ट डेट मैंने बता दी आपको, डॉक्यूमेंट्स बता दिए। लगभग फ़ीस की बात कर लें तो फीस आपकी जो है ये टाइम टू टाइम थोड़ा सा अलग होती रहती है। अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हो तो अलग होती है, 6 सब्जेक्ट लेते हो तो अलग होती है। अगर आप 6 सब्जेक्ट लेते हो तो लगभग 3000 रुपये के आसपास आपकी ये एडमिशन फीस आपकी लग जाती है। बाकी डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर या आप जो है कितना किस टाइम पर एडमिशन ले रहे हो, कितनी लेट फीस लग रही है। लेट फीस ज़्यादा लगेगी तो एडमिशन की जाहिर सी बात है कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हमारा नंबर है, हम आपका एडमिशन भी करेंगे और साथ में आपको गाइड भी करेंगे। जो भी नॉमिनल चार्ज होगा उसको आपसे लेंगे और आपको पूरी पूरी हेल्प करेंगे एडमिशन से लेकर के आपको रिजल्ट तक। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो और आपके वहाँ पर पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।